बॉलीवुड के एक्शन हीरो सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 की कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए इस साल की नहीं बल्कि बॉलीवुड की ऑल टाइम बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए जवान के बाद दूसरे नंबर की ऑल टाइम के लिए सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी वर्जन की फिल्म बन चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस साल बॉलीवुड की और साउथ की पैन इंडिया के कई बड़ी छोटी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इसके बावजूद पठान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर किसी ने भी टक्कर नहीं दिया, लेकिन गदर 2 ने पठान का हिंदी वर्जन का लाइफटाइम कलेक्शन का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया, जो कि फिल्म को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में केवल 80 करोड़ रुपए के स्मॉल बजट में ही बनाया गया है। और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ से कम बजट वाली यह पहली फिल्म है जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। फिल्म ने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40 करोड़ 10 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी। अभी तक की मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म आज के दिन ऑल ओवर इंडिया लगभग 40 लाख रुपए तक की कलेक्शन करती दिखाई दे सकती है। 59वें दिन 40 लाख रुपए की कलेक्शन करना भी अपने आप में एक बड़ी रिकॉर्ड कहलाएगी। 59 दिनों की टोटल इंडियन नेट कलेक्शन जो है लगभग 527 करोड़ 97 लाख रुपए के अराउंड देखने को मिल सकती है, तो वहीं 60 दिनों की दुनिया भर से हुई कलेक्शन लगभग 688 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। गदर 2 एक ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है।